वेलकम टू माई YouTube चैनल व्यूवर्स, चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं सादा कढ़ी बनाने का नहायत आसान तरीका। सबसे पहले हम लेंगे छलनी, जिसमें हमने बेसन छानना है। बेसन हम इसलिए छानेंगे ताकि इसमें जो चुंटियां या कुछ और भी हो तो वो निकल जाएं। व्यूअर्स, ये हमने जो बेसन इसको अच्छी तरीके से छान लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम लस्सी। हमारे पास तकरीबन 1.5 गिलास लस्सी है, वो इसमें शामिल करेंगे। लस्सी शामिल करने के बाद इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे। हस्पेज रोज़ इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। उसके बाद हस्पेज रोज़ हम नमक ऐड करेंगे इसमें, और आधा ही का चाय का चम्मच हल्दी। ये तमाम अज़ाद इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये इसका पेस्ट है जो वो थोड़ा सा पतला हो जाए। इसका पेस्ट गाढ़ा है, इस वजह से हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको हम एक चूल्हे पर रख देंगे। बॉयल करेंगे इसको अच्छे तरीके से, अलग चूल्हे पर इसको बॉयल करेंगे, और एक चूल्हे पर इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसमें हम मसाले तमाम शामिल करेंगे और वो ग्रेवी अच्छी तरह से बना के इसमें हम ये बेसन जो बनाएंगे कढ़ी, उसको उसमें शामिल करके तो हमारी मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स, ये हमने बेसन अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। अब इसको हम चूल्हे पर रखेंगे। इसमें हम पानी शामिल किया है, लस्सी ज़्यादा खट्टी थी इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि जो उसकी मिठास है वो कम हो जाए। जब ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसकी जो आँच है वो हल्की कर देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो हमने इसमें कढ़ी शामिल की थी, बे पानी और लस्सी और इसके तमाम अज्जा बाकी जो शामिल करके इसको चूल्हे पर रखा था, और ये अच्छी तरह से बनना शुरू हो गई है। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको बनाएंगे, फिर इसकी अलग से ग्रेवी तैयार करेंगे और इसमें इसको शामिल कर देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस इसको नीचे उतारेंगे और इसका अलग से हम मसाला तैयार करेंगे। जी व्यूअर्स, अब कढ़ी का हम मसाला तैयार करने लगे हैं। इसके लिए हमें अलग से बर्तन चाहिए जो हमने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें हम घी शामिल करेंगे। एक बड़ा चम्मच भर के हम घी शामिल करेंगे इसमें। घी जब गर्म हो गया तो इसमें प्याज शामिल करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं घी है जो हमने इसमें डाला था वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम प्याज। हस्पे रोज़ इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। आप चाहें तो इसको ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन हम इसका कच्चापन जो इसका छोड़ देंगे वो इसका टेस्ट अच्छा आएगा, तो इसके लिए हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च। ये सब्ज़ मिर्च हमने काट के रखी है ये पहले से ही, वह शामिल करेंगे। इसी के साथ हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें टमाटर इसलिए शामिल किया है क्योंकि हमारे पास जो लस्सी थी उसकी खटास थोड़ी कम हुई है। ताज़ा लस्सी जो होती है उसकी खटास थोड़ी कम होती है। अगर हम लस्सी थोड़ी देर के लिए रख देते तो वो खट्टी हो जाती, लेकिन हमने ताज़ा लस्सी इसमें यूज़ की है इसलिए हम इसमें टमाटर भी शामिल करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसमें हमने टमाटर, सब्ज मिर्च और प्याज शामिल किए थे। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं, जिसमें मसाला जात शामिल है। ये हस्बे तौर पर इसमें नमक शामिल करेंगे क्योंकि नमक हम इसमें कढ़ी में पहले भी डाल चुके हैं। लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच। इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। 1/2 चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल करेंगे क्योंकि हमने हल्दी में पहले डाली है जो हमने कढ़ी बॉयल की थी। और इसमें हम पानी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसका मसाला 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाएगा। फिर इसमें हमारे पास कटी हुई ग्रीन लहसुन है, वो शामिल कर देंगे।
मसाला इसमें कोई भी शामिल नहीं करेंगे। साबुत जीरा हमने पहले कड़ी में डाला था, इसकी वजह से हम इसमें कोई भी शामिल नहीं करेंगे मसाला। बस आप देख सकते हैं कि जो हमने कड़ी का मसाला बनाया था वो तैयार हो चुका है। अब इसमें हम कड़ी शामिल करेंगे। मैं वहीं बाहर का। अच्छा, था लहसुन सा, बस वो शामिल करेंगे। इसको हमने क्रश करके रखा हुआ है। अब इसमें कड़ी शामिल करेंगे। जी व्यूअर्स, इसमें हमने कड़ी शामिल कर दी है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो इसका मसाला है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसको तकरीबन हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमने कड़ी अलग से तैयार की थी, इसलिए इसका जो मसाला है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो फिर ये हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी। जी व्यूअर्स, हमारी कड़ी है जो अच्छी तरह से बन चुकी है। अब इसके हम इसके नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सके। हमारी नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।